हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के इस 11th लेक्चर में, जिसमें हम लोग एलपीपी की एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी है। इस टाइप की प्रॉब्लम कुछ अलग है इसमें, जो हमें लास्ट में समझ आएगा कि अलग क्या है जब हम लोग क्वेश्चन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उस समय कुछ नई चीज इसमें सीखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं ली है। जब बेसिक से क्वेश्चन हमें करना आ जाएगा तो फिर हम लोग इसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम पे स्विच कर जाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए आप, सबसे पहला ये दो लाइंस हैं जिन्हें हमें प्लॉट करना है। तो पहली लाइन मैं ले रहा हूं एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3। पहला स्टेप फिक्स्ड है हमारा, पुट x इज इक्वल टू 0। एक्स अगर 0 रखें तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। सो 3y इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो पॉइंट हमारे पास आएगा एक्स कोमा वाई के हिसाब से 0.1 पॉइंट। एक पॉइंट x 0 रख के निकालते हैं हमेशा, दूसरा पॉइंट हमेशा y 0 रख के निकालते हैं। तो आप लिखो यहां पुट y इज इक्वल टू 0। y 0 अगर रखें तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 3 आएगा। सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो अगर पॉइंट लिखना चाहें तो पॉइंट आएगा 3.0। हमेशा x पहले लिखा जाता है तो x कॉमा y के हिसाब से 3.0 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 2। x प्लस y इज इक्वल टू 2, तो पहला स्टेप पुट x इज इक्वल टू 0। x अगर 0 रखें तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 2। तो y यहां से क्लियरली मिल गया हमारे को 2। अगर पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इजिली पॉइंट हमें मिल गया है 0.2 x कोमा वाई। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो मिलेगा हमारे को y इज इक्वल टू 0 करने पर। y अगर 0 करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो यहां से x की वैल्यू भी आ गई 2। तो पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो x कोमा y के हिसाब से 2.0 पॉइंट हमारे पास आएगा। ये दो पॉइंट्स इसके आ गए, ये दो पॉइंट्स इसके आ गए थे। एक आखिरी काम है ग्राफ प्लॉट करने का, तो मैं इस तरफ ग्राफ प्लॉट करता हूं। आप लोग देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है पॉइंट 0। अपने को जाना है 2, 2, 1, 3 तक मैक्सिमम जाना है, तो ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो गया 1, यहां आ गया 2, यहां आ गया 3। ग्राफ एकदम क्लियर सा बनेगा, काफी छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। लॉजिक हमें समझना है बस, इसमें मेन तो पर्पस यही है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि 0.1 पॉइंट कहां पड़ेगा। 0.1 पॉइंट मतलब x एक्सिस पे 0, y पे 1। x पे 0, y एक्सिस पे 1, ये पॉइंट है 0.1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट 3.0, x पे 3, y पे 0। x पे 3, y पे 0, ये है पॉइंट 3.0 पॉइंट। दोनों को मिलाएंगे तो ये बन रहा है इस तरह की लाइन, ये इस तरह की लाइन आ गई। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में गड़बड़ हो गया है, ये वाला पॉइंट है 3.0। देखिए नेक्स्ट है 0.2, ये वाला पॉइंट हो गया y एक्सिस पे 2, 0.2। नेक्स्ट है 2.0, x एक्सिस पे 2 वाला, ये वाला पॉइंट हो गया 2.0। अगर दोनों को मिलाएं तो ये इस तरह की लाइन आ रही है। दोनों का नाम मैं लिख देता हूं, पहले तो इसका नाम, ये है x प्लस y इज इक्वल टू 2 लाइन। दूसरी वाली लाइन है हमारे पास में x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। दोनों लाइन हमने बना ली है। अब एक काम छोटा सा बचा हुआ है, वो है इनइक्वालिटीज का क्या करें। मतलब पोर्शन इस तरफ का है, उस तरफ का है, रेड वाले के इस तरफ का है या उस तरफ का है। चेक करने का बेस्ट तरीका, बेस्ट पॉइंट है 0.0। तो मैं यहां 0.0 रख रहा हूं दोनों में ही और स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए तो सबसे पहले ब्लू वाली लाइन, यहां पर 0.0 रखते हैं। 0.0 यहां रखेंगे तो 0
प्लस थ्री इंटू जीरो इज ग्रेटर देन थ्री, सो जीरो इज ग्रेटर देन थ्री, गलत बात आ गई, जीरो छोटा होता है जबकि दिन से। नेक्स्ट, तो गलत आ गई है, इसका मतलब इस ब्लू वाली लाइन के लिए ये 0.0 पॉइंट गलत साबित हुआ है, गलत साबित हुआ है, इसका मतलब इसके अपोजिट वाला सही है, अपोजिट वाला सही है, मतलब इसके इस तरफ का पोर्शन आएगा आंसर, इस तरफ का, इस तरफ का। सेम ऐसे ही अगर हम लोग दूसरी वाली लाइन करें जो कि रेड वाली लाइन है, तो 0.0 इसमें भी रखते हैं हम लोग, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 2, मतलब 0 इज ग्रेटर देन 2, 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट आ गया, गलत स्टेटमेंट आ गया। इसका मतलब इस रेड वाली लाइन के लिए भी ये वाला पॉइंट गलत साबित हो गया, गलत साबित हो गया, इसका मतलब उधर वाला सही है, उधर वाला सही है, तो ये वाला पोर्शन फाइनल आंसर आएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। और लास्ट में इसका तो मतलब अपने को पता ही है, इन दोनों चीजों का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कोई मीनिंग ही नहीं है इसका, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोग बना रहे हैं, ये तो हमने हर क्वेश्चन में देखा ही है। तो अब फाइनल शेडेड पोर्शन कौन सा आया, शेडेड पोर्शन देखो कौन सा आया, शेडेड पोर्शन आया है इसके भी उधर जाना है और इसके भी इधर ही जाना है, तो शेडेड पोर्शन ये वाला है, ये पूरा पोर्शन शेडेड है, ओपन एकदम, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूं, देखिए आप, ये पोर्शन हमारे काम का आया है अभी, अब देखिए जो भी पोर्शन हमारे पास आया है उसके कॉर्नर पॉइंट्स लेने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स एक तो ये दिख रहा है अपने को जो कि है, एक ये दिख रहा है जो नहीं है निकालना पड़ेगा, एक ये दिख रहा है जो कि है, तो पॉइंट नाम दे दें ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, तो ए पॉइंट है, बी नहीं है, सी पॉइंट है, बी पॉइंट पहले निकालें फिर आगे का काम करेंगे टेबल बनाने का। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बी पॉइंट कैसे निकालें, बी किन किन के इंटरसेक्शन से बना है, एक तो ब्लू लाइन और एक रेड लाइन के इंटरसेक्शन से, तो ब्लू लाइन की इक्वेशन है अपने पास में एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री, और रेड वाली लाइन की है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, इनमें से किसी को सेम बनाना होता है, तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं एकदम, तो सीधा माइनस कर दो, माइनस करने से ये कैंसिल आउट होगा, थ्री वाई माइनस वाई टू वाई आ जाएगा, और इधर थ्री माइनस टू वन, तो वाई हमारे पास आ गया 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी वाली इक्वेशन में रख रहा हूं मैं, ये छोटी छोटी इक्वेशन है, कैलकुलेशन कम होगी, तो x प्लस y की वैल्यू 1/2 यहां रख रहा हूं, तो 1/2 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, दैट मीन्स 4 माइनस 1 3/2, तो उस हिसाब से पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट b x कोमा y के हिसाब से देखें तो 3/2 कोमा 1/2, मैं यहीं लिख देता हूं, ये पॉइंट आया 3/2 कोमा 1/2 पॉइंट, बी पॉइंट हमारे पास आ गया। तीनों पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, अपने को सिर्फ टेबल बनानी है, मैं इस तरफ बना देता हूं टेबल, यहां जगह है, थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, थोड़ा सा हटा करके टेबल बना रहा हूं, तीन ही पॉइंट्स हैं, ज्यादा कोई पॉइंट्स नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेबल में सबसे पहले आप यहां पर लिखते हो पॉइंट्स, उसके बाद यहां आता है जेड, जेड हमें दे रखा है 3x प्लस 5y, सो 3x प्लस 5y यहां पर ले लिया। अगर यहां पर बनाए तीनों पॉइंट्स, तो पहला वाला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट 0.2, ये लिख दिया 0.2, दूसरा पॉइंट आ रहा है 3/2, 1/2, ये हो गया 3/2, 1/2, और तीसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है 3.0, ये तीसरा पॉइंट है 3.0। अब इन पॉइंट्स को z में रखो, z में रखोगे तो ये बनेगा z इज इक्वल टू 3 × 0 प्लस 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10। सेम ऐसे यहां z बनेगा 3 × 3/2 प्लस 5 × 1/2 जो कि आएगा 9/2 प्लस 5/2 14/2 मतलब 7।
नेक्स्ट ये रखोगे तो z इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 प्लस 0 9। तो ये हमारे पास टेबल फाइनली आ गई है। टेबल में हमें सबसे पहले देखना था कि भाई मिनिमम आंसर कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम देखिए इसमें से कौन सा आ रहा है, 7 वाला मिनिमम आ रहा है। किन पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पे। तो अगर जो सिचुएशन अभी तक क्रिएट हुई है उसके हिसाब से आंसर लिखना हो तो क्या आंसर लिखा जाएगा, आंसर लिखा जाएगा कि मिनिमम z है हमारे पास में 7। कब, जब x की वैल्यू है 3/2 एंड y की वैल्यू है 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर आया, मिनिमम z की वैल्यू 7। अब यहां तक तो हम लोग हर क्वेश्चन में करते ही थे, कुछ नया नहीं हुआ अभी तक, तो इतना तो हर क्वेश्चन में होता है। तो इसमें क्या नया है, इसमें नया देखिए क्या है, नया ये है कि हम जो ये पॉइंट्स यहां पर लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड एरिया के लिए वैलिड है। बाउंडेड मतलब जैसे ये अगर एरिया आता तो ये एकदम चारों तरफ से बंद है, बाउंडेड है, तो ये जो पॉइंट्स लेते हैं उन पे मैक्सिमम या मिनिमम आना कंफर्म्ड है। लेकिन अगर एरिया, अगर रीजन जो शेडेड पोर्शन आ रहा है वो अनबाउंडेड है, खुला है, जैसे ये खुला है उधर से अनबाउंडेड है, तो उस केस में ये जरूरी नहीं है कि इन पॉइंट्स पे आंसर मिनिमम या मैक्सिमम जो हम चाह रहे हैं वो मिले ही मिले, या जो मिल रहा है वो एकदम सही ही मिले। तो इसको क्रॉस चेक करना पड़ता है तब जब ओपन पोर्शन आ रहा होता है, तो केवल तब। तो क्रॉस चेक करने का क्या तरीका है, क्रॉस चेक करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, जो भी आंसर आया है उसका उल्टा अज्यूम कर लो, मतलब उसको सच मत मानो और फिर वेरीफाई करो। मैं एक बार इसको मिटाता हूं फिर यहां पर करता हूं। ये देखो अगर मिनिमम z इज इक्वल टू 7 है, अब हमें ये चेक करना है कि ये सही आंसर है कि गलत आंसर है। तो सिंपल सा तरीका है, जो हमें दिया है उसको उल्टा अज्यूम कर लो, गलत मान लो। मतलब गलत कैसे, इसने बोला है मिनिमम z इज इक्वल टू 7 है, तो आप ये मान के चलो कि नहीं, z की वैल्यू मिनिमम 7 नहीं है, z की वैल्यू 7 से भी छोटी पॉसिबल है। कैसे, z इज लेस देन 7 पॉसिबल है। z की वैल्यू यहां पर रखो, z की वैल्यू है 3x plus 5y, तो 3x plus 5y जो है लेस देन 7 पॉसिबल है, ये हमने अज्यूम कर लिया। हमने क्या किया, इसने बोला कि भाई मिनिमम z 7 आ गया, हमने कहा कि नहीं z मिनिमम 7 नहीं है, z तो 7 से भी छोटा पॉसिबल है अभी भी। तो z अगर 7 से भी छोटा पॉसिबल है तो z की वैल्यू 3x plus 5y is less than 7, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, तरीका सेम है, इसको 3x plus 5y is equal to 7 मान लो सिंपल में। उसके बाद में सबसे पहले पुट x is equal to 0, ये बन जाएगा 3 into 0 plus 5y is equal to 7, तो 5y हो गया 7, तो y हो गया 7/5 जो कि होता है 1.4। पॉइंट थोड़ा अजीब सा आया है लेकिन इजीली प्लॉट हो जाएगा 1.4 यहां पर, क्योंकि काफी गैप है हमारे पास में, आराम से प्लॉट हो जाएगा। तो पॉइंट अब हम लोग अगर लिखें तो ये आ जाएगा 0.1.4। नेक्स्ट पॉइंट एक बार y जीरो करके निकालते हैं, आप चाहो तो उससे निकाल लो या फिर वैसे बेस्ट रहता है यहां से देखो कौन सा पॉइंट लेना है दूसरा। यहां बना बनाया है एक पॉइंट, कौन सा, जिससे ये 7 आंसर आया था, 7 आंसर किससे आया था, इस वाले पॉइंट से आया था, तो ये पॉइंट ले लो दूसरा डायरेक्टली, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट ये और दूसरा ये डायरेक्ट ले सकते हो जिससे आंसर 7 आया था आपका ये। लेकिन फिर भी मैं एक बार कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपको कि हाँ ये आंसर सही है। कैसे, मैं x की वैल्यू 3/2 रख के देखता हूं, y अपने आप ही 1/2 आ जाएगा। देखो यहां रख रहा हूं मैं 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 7, 9/2 प्लस में 5y इज इक्वल टू 7, तो 5y हो गया 7 माइनस 9/2
तो 5y हो गया 14 माइनस 9 बाई टू, एलसीएम ले तो 5y हो गया फाइनली 5 बाई टू, तो 5 से 5 अगर कैंसिल करें तो y 1 बाई टू आ गया। अब y हमारे पास आ गया 1 बाई टू, x है 3 बाई टू, पॉइंट सेम, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं एक बार। प्लॉट करेंगे तो देखिए 0, 1.4 मतलब 1 और 2 के बीच में, वैसे 10 हिस्से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो चौथा वाला ले लो, ये 1.4 हो गया। 0.1.4 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये 3/2, 1/2 मतलब ये वाला पॉइंट, तो दोनों को अगर मिलाओगे, जैसे मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ वो बेटर रहेगी, दोनों को अगर मिलाओगे तो इस तरह की एक लाइन आएगी, इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 7। ये हमारी लाइन प्लॉट हो गई, प्लॉट तो हो गई लेकिन अब पोर्शन देखना है कि इसके इस तरफ का आंसर है कि उधर का आंसर है। तो 0.0 बेस्ट है, 0.0 मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो 0.0 रखेंगे तो ये बनेगा 3×0 प्लस 5×0 इज लेस देन 7, 0 इज लेस देन 7, 0 छोटा है 7 से, सही बात है एकदम, 0 छोटा होता है 7 से, 0 छोटा है 7 से, सही बात है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो सही है, सही है मतलब इस पॉइंट की तरफ वाला पोर्शन सही है, तरफ वाला पोर्शन सही है मतलब इसके इस तरफ, इसके इस तरफ, इसके इस तरफ, इसके इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ का आंसर आएगा, जो कि हमारे आंसर में इंटरफेयर नहीं कर रहा। इसका जो आंसर आया वो हमारे पुराने आंसर में इंटरफेयर नहीं कर रहा, इसका मतलब अपना जो पुराना आंसर आया था वो एकदम सही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो शेडेड पोर्शन है वो पुराने वाले शेडेड पोर्शन में इंटरफेयर कर रहा होता, मिक्स हो रहा होता, मतलब ये इधर ना आकर के उधर आ जाता, तो ये जो आंसर है वो गलत माना जाता, इसका मतलब ये सही मान लिया जाता कि ये हमारे पोर्शन में इंटरफेयर कर रहा है, इसका मतलब जेड लेस देन 7 पॉसिबल है। तो उस केस में आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होता, मिनिमम वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं होता दी हुई सिचुएशन में, लेकिन फिलहाल तो इंटरफेयर हो नहीं रहा, इंटरफेयर हो नहीं रहा, इसका मतलब जेड अगर 7 से छोटा पॉसिबल है भी तो वो तो इधर वाले पोर्शन में, अपने एरिया में तो है ही नहीं, इसका मतलब अपने एरिया के हिसाब से तो हमने सही निकाला है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ओवरऑल आंसर निकालने के लिए क्या जरूरी है, इंटरफेयर ना करें, जैसे कि इसमें। तो इस वीडियो में हमने देखा कि भाई कैसे अनबाउंडेड वाले सेक्शन को ग्राफ से सॉल्व किया जा सकता है, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके उसको वेरीफाई किया जा सकता है कि यह आंसर सही है कि गलत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें इंटरफेयर कर रहा होगा, तो आपको पता चले कि इंटरफेयर का मीनिंग क्या है, कैसे इंटरफेयर करेगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, थैंक यू।